दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फाइल मैनेजर में जो आपको व्हाट्सएप का फोल्डर नहीं मिल रहा है फाइल मैनेजर में वो कहां मिलेगा। दोस्तों व्हाट्सएप में हमारे वीडियोस, सेंड किए हुए वीडियोस या फिर रिसीव किए हुए वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, आपको वीडियोस कहाँ मिलेंगे, वो फोल्डर कहाँ मिलेगा आपको फाइल मैनेजर में, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। नए नए स्मार्टफोन्स में दोस्तों अपडेट्स के साथ आ रहे हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, फाइल मैनेजर में व्हाट्सएप का फोल्डर नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच करें, इस वीडियो में दोस्तों आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप का फोल्डर आखिर मिलेगा कहाँ। चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आपके फाइल मैनेजर में व्हाट्सएप का फोल्डर नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं फाइल मैनेजर में व्हाट्सएप का फोल्डर कहां होता है। अभी दोस्तों हाल ही में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं मोबाइल में, नए नए स्मार्टफोन्स में, व्हाट्सएप का फोल्डर दोस्तों हाइड रहता है, वहाँ पर दोस्तों बाहर इंटरनल स्टोरेज में दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको वो जो फोल्डर है व्हाट्सएप का जिसमें वीडियोज़, इमेजेस, फाइल्स होती हैं, वो कहाँ मिलेगा, अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों मैं फाइल मैनेजर पर क्लिक करता हूँ आपके सामने। अभी दोस्तों आप देखिए, लाइव देखिए, यहाँ पर दोस्तों कोई भी व्हाट्सएप का फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दोस्तों स्क्रॉल डाउन करूँगा तो भी नीचे कहीं भी व्हाट्सएप का जो फोल्डर है जिसमें इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स जो होती हैं, उसका जो फोल्डर है व्हाट्सएप का बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट्सएप का जो फोल्डर है कहाँ है, तो इसके लिए दोस्तों आपको इस एंड्रॉयड वाले फोल्डर पर क्लिक करना है। इस एंड्रॉयड के फोल्डर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको तीन फोल्डर दिखेंगे, पहला है डाटा, दूसरा मीडिया, तीसरा OBB। आपको दोस्तों मीडिया वाले फोल्डर पर क्लिक करना है। ये जो बीच में मीडिया वाला फोल्डर दिख रहा है ना, इस मीडिया के फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। मीडिया के फोल्डर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप का फोल्डर दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। ये रहा दोस्तों व्हाट्सएप का फोल्डर, com.whatsapp। अभी दोस्तों मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, ये दोस्तों व्हाट्सएप का फोल्डर है। इसी व्हाट्सएप के फोल्डर में दोस्तों आपको फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, सारी चीज़ें यहां पर मिलने वाली हैं। जो भी व्हाट्सएप के हैं यहां पर इस फोल्डर में मिल जाएंगे आपको। अभी दोस्तों मैं व्हाट्सएप के इस फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप का फोल्डर और दिखेगा इसके अंदर। इसी व्हाट्सएप के फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस व्हाट्सएप के फोल्डर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर दोस्तों तीन फोल्डर और दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है बैकअप, दूसरा है डाटाबेस, तीसरा है मीडिया। इस मीडिया वाले फोल्डर में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने सेंड किए हैं या फिर रिसीव किए हैं इसमें मिलेगा, और जो भी इमेजेस हैं, जो भी वीडियोस हैं, सारी फाइल्स सेंड की हुई या फिर रिसीव की हुई इसमें मिल जाएगी आपको, इस मीडिया के फोल्डर में। जैसे ही मैं मीडिया के फोल्डर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मीडिया के फोल्डर पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे फोल्डर दिख जाएंगे आपको व्हाट्सएप के, जिसमें दोस्तों व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप इमेजेस, व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटोज़, व्हाट्सएप स्टिकर्स, व्हाट्सएप वीडियोज़, व्हाट्सएप वीडियो नोट्स, बहुत सारे जो फोल्डर हैं इसमें आपको दिख जाएंगे। वीडियो देखने हैं व्हाट्सएप के जो भी आपने डाउनलोड किए या फिर सेंड किए हैं इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं व्हाट्सएप वीडियो के फोल्डर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर दोस्तों सेंट का फोल्डर देख सकते हैं। सेंट वाले फोल्डर में जो भी आपने किसी को सेंड की होगी वीडियो इसमें रहेगी, और जो आपने डाउनलोड करी होगी, जो आपके वीडियो आई होगी किसी से, किसी के थ्रू, वो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। इन वीडियो को आप मूव भी कर सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज में ले सकते हैं, और जैसे ही आप लेंगे गैलरी में दिखाई देने लगेगी अगर गैलरी में नहीं दिख रही हैं तो। इसी तरह से अगर आपको डॉक्यूमेंट्स देखने हैं या फिर इमेजेस देखनी है, तो दोस्तों जस्ट मैं इसे बैक करूँगा और यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप के जो भी फोल्डर्स हैं वापस दिखने लगेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं व्हाट्सएप इमेजेस है, डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मुझे व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट देखने हैं जो भी मैंने सेंड किए हैं या फिर मैंने डाउनलोड किए हैं किसी के थ्रू मेरे आए हैं, तो दोस्तों मैं व्हाट्सएप के इमेजेस के फोल्डर पर क्लिक करके बहुत आसानी से उन सभी इमेजेस को देख सकता हूँ जो मैंने सेंड किया है या फिर किसी के थ्रू मुझे आए हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको व्हाट्सएप के सारे फोल्डर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें दोस्तों व्हाट्सएप के स्टिकर्स हो गए, व्हाट्सएप के जो वीडियो नोट्स हो गई, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स हो गई, जो भी आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हैं किसी को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। अभी दोस्तों मैं जस्ट व्हाट्सएप इमेजेस के फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो मेरे सारे फोटोज़ इस फोल्डर में दिख गए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे फोटोज़ मेरे दिख गए हैं, और जो मैंने सेंड किए हैं इस फोल्डर में मुझे मिल जाएंगे जो ऊपर दिखाई दे रहा है। जो भी फोटोज़ मैंने किसी को सेंड किए हैं सारे फोटोज़ दोस्तों इस सेंड वाले फोल्डर में दिख जाएंगे, और उन फोटोज़ को या फिर इन फोटोज़ को मैं मूव भी कर सकता हूँ इंटरनल स्टोरेज में। अगर आपकी गैलरी में नहीं दिख रहे हैं ये फोटोज़, तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इस व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में आपको दिख जाएंगे, जो भी आपने सेंड किए होंगे या फिर आपको किसी ने सेंड किए होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें दिख जाएंगे। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप की फाइल्स को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूँ हमेशा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूंगा सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे दोस्तों आप सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।